नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इस खबर के सियासी मायने बहुत बड़े हैं। कर्पूरी ठाकुर, हज्जाम बिरादरी से आने वाले कर्पूरी ठाकुर, दो बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार विधायक रहे। 1952 में पहली बार जब विधायक बने, उसके बाद हारे नहीं। लेकिन 2% मैक्सिमम 2% की आबादी वाले हज्जाम बिरादरी से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के क्या मायने हैं, ये समझने के लिए तत्काल हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, जिसमें अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं और अभिषेक कुमार, बिहार की राजनीति पर बहुत गहरी पकड़ रखने वाले अभिषेक कुमार हमारे साथ। अभिषेक, में शुरुआत आपसे ही करूंगा। कर्पूरी ठाकुर 2% आबादी है उस समुदाय की। हालांकि 2005 में नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों का सामंजस्य बनाया, वो सामंजस्य उन्हीं कर्पूरी ठाकुर के पृष्ठभूमि में 29-30% मतों तक पहुंचता है। ये क्या आयन वक्त पर ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि इस वक्त एक विवाद भी चल रहा था कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर आयोजन जो होना था उसको लेकर के आमने सामने भाजपा और जेडीयू नजर भी आ रहे। देखिए आशीष जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर की अहमियत सिर्फ बिहार के दायरे तक नहीं है, इस पूरे देश में वीपी सिंह ने जो जितना बड़ा 52% आबादी को एक साथ जोड़ करके मंडल कमीशन के दायरे में देखा, उसके ठीक पहले, उस मंडल कमीशन के तकरीबन 12 साल पहले आप कह सकते हैं 1978 में, पूरे देश में पिछड़ों के अंदर कोटा विद इन कोटा, जो बात अब रोहिणी कमीशन के माध्यम से मोदी सरकार या राघवेंद्र सिंह कमीशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ठंडे बस्ते में डालकर बैठी है कि अति पिछड़ों का हित हो, उस एजेंडे को वो लागू नहीं करना चाहते। कमीशन बनाकर बना जरूर दिया लेकिन लागू नहीं करना चाहते, यानी कर्पूरी ठाकुर के एजेंडे को लागू करने की बजाय कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व के महिमा मंडन की जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई दे रही है। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों के भीमराव अंबेडकर है, इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत के अंदर, इस देश के अंदर नॉन डोमिनेंट ओबीसी कम्युनिटी जितनी बड़ी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में कर्पूरी ठाकुर वो इस देश के सबसे बड़े चेहरे रहे, सबसे स्वीकार्य चेहरे रहे। पिछड़े वर्गों के बीच जब बिहार में उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन के तहत 20% आरक्षण ओबीसी को दिया, 20%, उस 20% में 8% आरक्षण उन्होंने डोमिनेंट ओबीसी को दिया, यानी जो यादव, कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य समुदाय की कुछ जातियां आती है उनको दिया, और जो 12% आरक्षण था वो अति पिछड़ों को दिया। लेकिन बीजेपी, मुझे लगता है कि पश्चाताप करने के मोड में ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी के जो पुराना अवतार था जनसंघ, दोनों बार कर्पूरी ठाकुर की सरकार 1971 और 1979 में जो गिरी, वो जनसंघ गुट के विधायकों के द्वारा दगा दिए जाने के कारण गिरी थी। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों के दगा दिए जाने के कारण गिरी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं, आइकन उठाने में माहिर है, फिर भी इस निर्णय का स्वागत तो हमें करना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जैसे ईमानदार लोग भारत की राजनीति में कम रहे। सुनीलम जी ज्यादा बेहतर बताएंगे उस धारा में। अभिषेक आपने ईमानदारी की बात की और दो बात, दूसरी बात की आइकॉन चुराने की, उस दौर में उस आइकॉन को आज की भाजपा चुरा रही है। जिस आइकॉन की बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, चौधरी देवीलाल के एक मित्र रहते थे पटना में, भाऊ आपसे सवाल है, चौधरी देवीलाल के एक मित्र रहते थे पटना में, हरियाणवी मित्र थे, उनसे देवीलाल ने कहा कि कभी कुछ मांगे ये कर्पूरी ठाकुर, पड़ी उनकी दयनीय स्थिति रहती थी, कुछ मांगे तो दे दिया करो, कभी भी 10-5 हजार मांगे तो दे दो। जब काफी समय बाद मिले देवीलाल और पूछा कि कभी कुछ मांगा, तो कहे कुछ ये मांगते ही नहीं है। आखिरकार एक बार विदेश जाना हुआ तो एक फटी हुई कोट अपने दोस्त से मांगे, वो फटी कोट पहन के, पुरानी कोट थी, फटी हुई थी, युगोस्लाविया गए तो टीटो वहां पे थे, टीटो ने फटी कोट देखी तो उनको एक कोट गिफ्ट किया था, वो पहला गिफ्ट कोट जो सही सलामत कोट थी वो कर्पूरी ठाकुर को नसीब हुई। आज दिन में
दस सूट बदलने वाले कर्पूरी ठाकुर को क्या भारत रत्न दे करके राजनीतिक विरासत कब्जा लेंगे भाव? कतई नहीं। एक बात आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ये जो तथाकथित मास्टर स्ट्रोक है, जो आज अब इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद पूरे गोदी चैनल जो बताएंगे कि गरीबों के लिए आंसू बहाने वाले प्रधानमंत्री और ये सब कर्पूरी ठाकुर, मुझे बताइए कर्पूरी ठाकुर का योगदान क्या नानाजी देशमुख, क्या हमारे बंगाली बाबू जो राष्ट्रपति रहे हैं उनसे भी कम है क्या? लेकिन बंगाल में चुनाव है, बंगाल के मतदाताओं को मूर्ख बनाना है तो बंगाली को भारत रत्न दे दीजिए। जिस देश में देश के सर्वोच्च सम्मान राजनीति से ग्रसित होकर बढ़ते हैं, उसमें ये उस सम्मान का अपमान है। मैं आज ये नहीं कह रहा हूं कि कर्पूरी ठाकुर को बहुत पहले दे देना चाहिए था, बहुत पहले दे देना चाहिए था। प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख के भी पहले हकदार थे वो, लेकिन नानाजी देशमुख को आपने दिया क्योंकि आपको यह बताना था कि यह संघ की सरकार है। उसके बाद आपने, मैं ये नहीं कहता कि नानाजी देशमुख ने काम नहीं किया, लेकिन उसने आपने फिर प्रणब मुखर्जी को दिया क्योंकि बंगाल में आपको मतदाताओं को लुभाना था। आज बिहार में आज आपको क्यों कर्पूरी ठाकुर की याद आई? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से कर्पूरी ठाकुर महान नहीं होंगे, उस भारत रत्न को इज्जत मिलेगी कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों के पास, लोग भी उसके लिस्ट में हैं। सही मायने में अति पिछड़ों का मसीहा, बहुत सही कहा अभिषेक ने कि वो आंबेडकर का स्टेटस रखते हैं। बिहार में यदि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सत्ता में थी रहती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कर्पूरी ठाकुर को ये कभी भारत रत्न नहीं देते। आज बिहार के समीकरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, कई बार ईडी सीबीआई का प्रकोप करने के बाद भी टूट नहीं रहे हैं। ऐसे में आपने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बिहारियों को मूर्ख बनाने का एक काम किया है। मैं अभी भी कह रहा हूं कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न के भी ऊपर है, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, यदि आपको करना ही है तो कर्पूरी ठाकुर को आपने भारत रत्न दिया, विशेष राज्य का दर्जा भी दीजिए बिहार को, जो इतने दिनों से मांग है, जो रैली में इतरा इतरा के बोले थे कि 1,000 दूं क्या, 2,000 दूं क्या, 10,000 करोड़ दूं क्या, वो फंड भी दीजिए बिहार को। बिहार के प्रोजेक्ट जो रुके हैं उनको पैसा दे दीजिए। कर्पूरी ठाकुर का सपना पूरा होगा। मैं कर्पूरी ठाकुर को सही श्रद्धांजलि भारत रत्न देके नहीं है, जो एक क्रांति उन्होंने की थी अति पिछड़ों में, उन लोगों का उत्थान करके है। बाबू मैं डॉक्टर सुनीलम के पास चलूंगा, मैं आज विरोधाभासों पर सवाल करूंगा जैसे आपके पास है, तो विरोधाभासों पर, क्योंकि तभी इनका असली चेहरा, इस सरकार का, इस शासक का असली चेहरा लोगों को दिखेगा। कर्पूरी ठाकुर वो शख्स, एक बार उनके बहनोई आए डॉक्टर साहब उनके पास बैठे, कहे कि ये मुख्यमंत्री हैं आप कुछ दे दीजिए, कोई नौकरी लगवा दीजिए, कोई रोजगार दे दीजिए। कर्पूरी ठाकुर कोई जवाब नहीं दिए, चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद 50 रुपए का नोट निकाले और अपने बहनोई को पकड़ा दिए, कहे जाओ उस तरह खरीद लेना और जो पुस्तैनी काम है हजाम का वही शुरू कर लो, 50 रुपए ले। दूसरा जो आज भारत रत्न दे रहा है वो अडानी, मांगे ना मांगे एयरपोर्ट ले लो, पोर्ट ले लो, सब ले लो। वो बहनोई को उस तरह के लिए 50 रुपए दिए थे, ये पूरा देश अडानी दे दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण एक और दे देते हैं, एक बार उनके पिताजी पर गांव में, बिहार की स्थिति आज भी बहुत हद तक बदली है लेकिन फिर भी आज भी है, उस दौर में उनके पिताजी को गांव के जो बड़े ऊंची जात के लोग थे उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, पुलिस को पता चला, डीएम पहुंच गए गांव लॉ लश्कर के साथ कार्रवाई करने। कर्पूरी ठाकुर ने मना कर दिया, कर नहीं
ऐसे तो हर गांव के जो पिछड़े अति पिछड़े दलित हैं, हर गांव में सुन रहे हैं ऊंची जात के लोगों से, तो मेरे पिताजी ने सुना तो इसलिए नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। वो कर्पूरी ठाकुर थे। आज राजनीतिक विरोधी के घर बुलडोजर चल जाता है, ईडी चल जाती है सिर्फ राजनीतिक विरोध पर। वो अपने पिता के ऊपर अपमानजनक जाति सूचक बातें हुई तो भी रोक दी। वो चरित्र कहां, ये क्या बोलूं, क्या मैच है? इतना विरोधाभास आज की तारीख में भारत रत्न के नाम पर क्या अपना करके एक धब्बा ही नहीं लगा रहे हो कर्पूरी ठाकुर के उस महान चरित्र पर? डॉक्टर सुनीलम, देखिए मैं तो पटना में हूं। हाँ। और पटना में मैं आया हूं, यहाँ पर जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी वर्ष के समापन का कार्यक्रम का आयोजन हमने किया जगजीवन राम शोध संस्थान के अंदर। कल जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा जब पूरा देश राममय था तो पूरा पटना जो है मैंने देखा हजारों पोस्टर सभी पार्टियों के द्वारा यहाँ पर लगाए गए थे। कल पटना के अंदर सभी पार्टियों के द्वारा बड़े बड़े सम्मेलन किए जा रहे हैं, कोई भी पार्टी एक्सेप्शन नहीं है। ये कद कर्पूरी ठाकुर जी ने हासिल करने का काम अपनी तपस्या से किया है। और 48 साल का उनका सार्वजनिक जीवन रहा जिसमें वो 38 महीने भी वो सत्ता के अंदर नहीं रहे, लेकिन एक हजाम एक नाई के घर में पैदा होने के बाद में अगर 7-8 बार जो है विधायक रह गए, सांसद रह गए, उप मुख्यमंत्री रह गए, मुख्यमंत्री रह गए, और उन्होंने इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने का काम किया इस बिहार के अंदर कि यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर तो पूरा का पूरा जो लोग अंग्रेजी पढ़ पाते थे वो आगे बढ़ जाते थे, बाकी सब लोग पीछे रह जाते थे, अंग्रेजी कंपलसरी हुआ करती थी। तो उन्होंने जो है पहली बार जब वो बने तो उन्होंने अनिवार्यता समाप्त कर दी अंग्रेजी की, और उसके चलते जो पूरी आज की जो लीडरशिप आपको पूरे बिहार में दिखलाई पड़ती है, उस समय कहते थे कर्पूरी डिवीजन, तो सब कर्पूरी डिवीजन वाले लोग हैं कि वो सब लोग जो है अवसर इसलिए पा गए क्योंकि पहले अंग्रेजी में फेल हो जाओ तो आपके अगली क्लास में आपको प्रमोट नहीं करते थे, इन्होंने ये अनिवार्यता समाप्त कर दी। तो एक जो बड़ा काम, और फिर जो इन्होंने पूरा का पूरा अति पिछड़ों को पहली बार इस देश के अंदर एक रिकॉग्निशन दिया, जो कर्पूरा फॉर्मूला जो एक पूरा बना, मेरा मतलब ये है कि इस समय जो वातावरण पूरा बना हुआ है बिहार का वो पूरा कर्पूरी मय है, और सामने कौन है, राममय बनाने की कोशिश करने वाले लोग हैं। तो एक तो ये मैसेज इससे ये जा रहा है कि राम का जो करिश्मा लेकर के, या जो कहा जाए कि प्राण प्रतिष्ठा, तो वो अपनी खुद की ही करवाना चाह रहे हैं फिर से 2024 के चुनाव में मोदी जी, और उन्होंने एक मेगा शो जो किया उसमें राम उतनी बार दिखलाई ही नहीं पड़े जितनी बार मोदी दिखलाई पड़ रहे थे। शंकराचार्य दिखलाई नहीं पड़े, उनके नड्डा जी दिखलाई नहीं पड़े, उनके जो है जो सब लोग थे वो भी दिखलाई नहीं पड़े, अमित शाह, नितिन गडकरी दिखलाई नहीं पड़े, राजनाथ सिंह दिखलाई नहीं पड़े, मतलब जो है वहां पर हिमाचल के नड्डा जी की जगह पर जो है कंगना जी वहां पर दिखलाई पड़ी। कुल मिला करके जो इन्होंने शो किया, ये जो अभी कदम उठाया है भारत रत्न देने का, इससे ये बात साबित हो रही है कि उन्हें ये बात स्पष्ट दिख रही है कि बिहार के अंदर मास्टर स्ट्रोक भी फेल हो गया है। तो जब मास्टर स्ट्रोक फेल हो गया है तो अब क्या करना, कुछ दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। तो एक तरफ तो उन्होंने निकाला कि राहुल के ऊपर FIR कर दो, पूरा का पूरा यात्रा को रोकने का काम कर दो। अरे भाई, तुम्हारे को जब इतनी जीत की कोई चिंता ही मतलब होनी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि राम जी का प्रताप है, तुम सब जगह जीत जाओगे, लेकिन उन्हें लग रहा है कि उससे काम चलेगा नहीं। तो एक जो काम ये कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए आपने जो जो सब बातें कही वो इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट बातें हैं कि वो जो आपने कोर्ट की बात की, वो टीटो जी ने उनको कोर्ट दिया था, और उस कोर्ट की भी बात खासियत ये है कि आज के कार्यक्रम में ये बात आई कि यहाँ पर आकर के वो लॉन्ग कोर्ट उन्होंने किसी को दे दिया, मतलब जो है वो अपरिग्रह वाले व्यक्ति थे, उनका किसी स्तर का वो मोह ही नहीं था, जिस कोर्ट की बहुत चर्चा होती कि उन्हें गिफ्ट के अंदर युगोस्लाविया में मिला,
उसके नेतृत्व करने वाले थे दंडवते जी, गए थे उसका नेतृत्व करके, क्योंकि हम लोग परसों मुंबई में थे, उनका जन्म शताब्दी का समापन कार्यक्रम हम लोगों ने वहां पर किया था, और सब लोगों ने वहां पर भी शरद पवार जी से लेकर के पृथ्वीराज चौहान जी और सभी लोग वहां पर थे, फारूक अब्दुल्ला थे, सब लोगों ने इस बात का जिक्र करने का काम किया। तो एक जो एक पब्लिक लाइफ के अंदर एक ईमानदारी होती है, एक सादगी होती है, एक जवाबदेही होती है, समाज के लिए जो एक प्रतिबद्धता होती है, और बिहार जैसे एक घंघोर जहां पर के कि ये कहा जाए कि एक अपर कास्ट का जो डोमिनेशन ऐसा रहा, और उस समय तो पहले बूथ लूटने वाला एक जब पूरा सिलसिला चलता था, तो आपको मालूम है कर्पूरी ठाकुर जी ने ऐलान कर दिया कि हाथ हथियार उठा लो। अब उसको लेकर के बहुत बवाल हो गया वहां पर कि भाई ये तो हिंसा की बात कर रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई राइट टू डिफेंड है आपका, जो सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला है आजादी के माध्यम से, वो मिला है वोट का अधिकार, और अगर उसको कोई लूटने आता है तो आप उसे लूटने मत दो, चाहे जो करना पड़ जाए उसको। और उसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हुई जो है, विधानसभा के अंदर भी हुई, बाहर भी उसकी हुई। तो ये घबराहट बता रहा है भारतीय जनता पार्टी की, ये कोऑप्शन का काम इन्होंने केवल इनका नहीं किया, आपको याद है पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को दिया था, है ना, उसको लेकर के। तो इनको ऐसा लगता है, इन्होंने ये जो आज आपको हमें याद करना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भी आज जयंती है, उनको भी याद करना चाहिए, उनको भी सुनीलम जी आपको मैं बता दूं, सुनीलम जी मैं याद दिला दूं, अंदर विवेकानंद सुनीलम जी उनके मेंबर, नहीं नहीं सुभाष चंद्र बोस की बात की इसलिए मैंने याद दिलाता हूँ, आप ही लोगों की सरकार थी 91 में, सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देना अनाउंस किया, लेकिन बाद की सरकारों ने उसको क्रियान्वित नहीं किया, कोर्ट का एसटी आया, आज तक हर्डल दूर नहीं कर पाए। मैं अभिषेक आपसे दूसरा सवाल लेना चाह रहा था, सवाल ये अभी चर्चा आया, कर्पूरी डिवीजन में पास, ये 1967 में कर्पूरी ठाकुर ने हटा दिया अंग्रेजी की अनिवार्यता, और उसके बाद अंग्रेजी में फेल होने के बावजूद जो मैट्रिक पास होते थे बिहार में उनको कहा जाता था कि कर्पूरी डिवीजन में पास हैं। तो क्या मोदी जी भी अब राम डिवीजन में फेल हो गए, कर्पूरी डिवीजन में 24 पास कर पाएंगे, कर्पूरी डिवीजन में पास करना चाहते हैं? आशीष जी मैं दो बातें इससे जुड़ी हुई बताता हूँ, अशोक वानखेड़े जी और सुनीलम जी भी ध्यान देंगे। बात दरअसल ये है, कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपको मैं बता दूं अति पिछड़ा आरक्षण कैसे मिला था और भाजपा के अवतार जनसंघ की भूमिका क्या थी, पूरी किताब उदय भान त्रिपाठी जी ने भी लिखी है और तमाम दूसरे लोगों ने भी जो किताबें लिखी है, बहुत सारी बातें हैं। अशोक सर एक चीज आपको याद जाननी चाहिए, आपको जानकारी में भी होगी, ये हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य की पहली कैबिनेट बैठक है जो दिल्ली में हुई थी। पटना की कैबिनेट बैठक के बारे में तो कर्पूरी जी ने बहुत कुछ कहा, वहां ऐसा लगता था कि लोग कर्पूरी जी का ही सर फोड़ देंगे, उनकी कैबिनेट में आने वाले मंत्री और खासकर जनसंघ घटक के मंत्री, नाम लेना उचित नहीं है, ये नौबत थी। दो जगह दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग हुई, एक पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में और दूसरी 3 नंबर साउथ एवेन्यू पर, सुनीलम जी सारी बातें जानते हैं, और वहां फैसला हुआ कि कोटा विद इन कोटा होगा और ओबीसी और ईबीसी दोनों को आरक्षण मिलेगा। पहली बात ये, जनसंघ घटक के रिजर्वेशन के कारण कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठा उस तरह, मतलब उस तरह जो दाढ़ी बनाने के काम आता है, ये नारा जनसंघ घटक से जुड़े हुए लोगों के कार्यकर्ताओं ने, संघ के कार्यकर्ता जो जनता पार्टी में थे उन लोगों ने ज्यादातर लगाए थे, कई सारे नाम अभी भी हैं, कई लोग दिवंगत हैं, चर्चा छोड़िए उसकी। दूसरी बात, कर्पूरी जी की सादगी की बात होती है, सुरेंद्र किशोर जी ने एक दिन मुझे बताया था, सुनीलम जी के मित्र हैं, पुराने पत्रकार हैं, पटना में जेपी के यहाँ एक बैठक चल रही थी, उस बैठक में चरखा समिति की या कोई बैठक थी शायद, उस बैठक में कर्पूरी जी का कुर्ता फटा हुआ था, सुरेंद्र किशोर जी उनके निजी सचिव भी रह चुके थे, वो भी वहां मौजूद थे, तो कुर्ता फटा हुआ था, चंद्रशेखर जी ने देखा कि इनका कुर्ता फटा हुआ है, वो पार्टी प्रेसिडेंट थे शायद, और उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, भी सब लोग जितने लोग थे सबको बोला कि पैसा निकालो, कितना पैसा किसकी जेब में है, किसी ने 20 रुपया, किसी ने 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया, जो था निकाल के दे दिया, कर्पूरी जी को दिया कि आप ये पैसा लीजिए, इसे कुर्ता सिलवाइएगा, और बहुत हील हुज्जत के बाद उन्होंने पैसा स्वीकार किया, बाद में पता चला कि वो पैसा भी उन्होंने किसी आदमी को दे दिया। ये थे कर्पूरी ठाकुर। और आज की जो कोशिश है, भारत रत्न देने का सब कोई स्वागत करता है, कि भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी आदत है कि जब अमर्त सेन को दुनिया ने स्वीकार करके नोबेल दे दिया तब याद आया भाजपा को कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को किए भारत रत्न है, उसके बाद भारत रत्न मिला, उसके पहले रिकॉग्निशन नहीं थी। कल कर्पूरी जयंती है, बड़ा कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड का है,
कई लोग ये मान रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड को रिझाने के लिए क्या अभी भी वक्त है चुनाव के पहले मेरे साथ आ जाइए, आपकी सारी शर्तें मंजूर है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की आपकी मांग भी हमने मान ली, ये करने के मकसद से बताया जा रहा है कि बुलाया गया है। और पर्दा अगले 3-4 दिनों में उठेगा कि जनता दल यूनाइटेड ने क्या इस बात को मानी या नहीं मानी। जी जी, आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर सुनीलम? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आरजेडी का भी सम्मेलन है बहुत बड़ा, जिसमें लालू जी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो है ना, उपेंद्र कुशवाहा जी भी कर रहे हैं, मतलब सभी पार्टियां कर रही हैं यहां पर, जैसा मैंने बीजेपी भी कर रही है जिसने उनकी सरकार गिराई जनसंघ के लोगों ने। बिल्कुल भाऊ भाऊ, एक सवाल, इस प्रोग्राम को हम खत्म एक एक टिप्पणी के साथ करेंगे। एक सवाल आपसे, जो अभी जहां पर छोड़ा, एक आशंका के साथ छोड़ा है अभिषेक ने, क्या बिहार में जिस उलझन में है भाजपा, भाजपा दो राज्यों में बहुत उलझन में है, बिहार और महाराष्ट्र, ये दोनों भाजपा के लिए मुसीबत बने हुए हैं, बिहार में क्या नीतीश कुमार अटकलों के बीच अब आएंगे अब जाएंगे, इन अटकलों के बीच ये आखिरी दाना डाला है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक ऐसी सहमति जहां से सेफ सुरक्षित आ सके, ऐसा कहते ना रेड कार्पेट बिछाना, कि एक रेड कार्पेट ऐसा बिछा दिया कि उसी के सहारे कि नीतीश के पास ये होगा कि कर्पूरी जी का सम्मान कर दिया है, कर्पूरी जी की राजनीति को वो 100 जातियां जो अति पिछड़ी, जिनकी कुल आबादी करीब करीब 29-30% हो जाती है, 36% अब तो नया डाटा आ चुका है, यूपी में भी 25% से ऊपर है, तो दूसरे राज्यों में भी है। ये 36% माना यह जाता है कि नीतीश के पीछे हैं और नीतीश और लालू साथ हैं तो उनके साथ। क्या कर्पूरी ठाकुर, सिर्फ भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को नहीं दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न के बहाने नीतीश कुमार के लिए रेड कार्पेट बिछाने की कोशिश की है भाजपा ने? भाव म्यूट है, आप म्यूट है। देखिए आशीष जी, 2 दिन से मराठी सर्कल में ये बहुत बात तेजी से चल रही थी कि वीर सावरकर को भारत रत्न देकर महाराष्ट्र को कब्जा करने की बात कर रहे हैं, तो इनके पास 2 लोग थे, 2 ATM थे। देखिए, जो राम को बेचते हैं वो कर्पूरी ठाकुर और सावरकर और कि जो जो वो किसी को भी बेच सकते हैं, जो देश को बेच सकते हैं वो किसी को भी बेच सकते हैं, जो भगवान को बेच सकते हैं वो किसी को भी जो तो बेच सकते हैं। तो देखिए, उनके पास 2 चॉइस थे, लेकिन आप सावरकर को भी भारत रत्न देते तो शरद पवार टूटते नहीं। शरद पवार के पास सावरकर को भारत रत्न देने से आपके पीछे इकट्ठा होने का कोई मतलब नहीं था, और भारत रत्न देने के बाद भी शिवसेना वापस आएगी इसकी गारंटी नहीं थी। लेकिन यदि ये दांव बिहार में खेल गया कर्पूरी ठाकुर के नाम पे, तो वहां एक प्लस पॉइंट है। एक यदि हो सके तो नीतीश कुमार अशोक वानखेड़े जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा, ये अशोक वानखेड़े जी एक लाइन बस, ये संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर जैसे ईबीसी नेताओं को दबाने की भी कवायद है। नहीं मैं एक मिनट, प्रॉब्लम ये है कि कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न देकर आप निषाद और उसका जो एक अपना जो एरिया है उस एरिया में डेंट नहीं कर सकते, ये बात तो तय है। इनको किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन से नीतीश को अलग करना है। यदि इंडिया गठबंधन का जो बाइंडिंग फोर्स है, इंडिया गठबंधन का जो क्लीन चेहरा है, इंडिया गठबंधन का जो एक्सेप्टेबल चेहरा है, वो निर्विवाद रूप से नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार एक बड़े डेंजर है अभी मोदी के सामने। तो राम के बहाने तो हिंदुओं को साथ लिया, अब नीतीश कुमार को यदि अपने साथ ले ले और नीतीश कुमार को आने का कारण भी चाहिए, तो ये कारण भी हो जाता है कि चलो कर्पूरी ठाकुर को आपने दे दिया, हमने आपकी मांगे मान ली, बाकी भी मांगे मान ली, बिहार के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, आम बिहारी के एक उत्थान के लिए हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ये घोषणा भी कर दे तो कुछ उसमें लिपापोती नहीं होगी और इंडिया गठबंधन चरमरा जाएगा। ये एक गेम प्लान है। इनको कर्पूरी ठाकुर से कोई प्रेम नहीं, कर्पूरी ठाकुर इनके कहीं एजेंडे में बैठते नहीं, इनके 2014 से लेकर आज तक के भाषणों में कर्पूरी ठाकुर कहीं दिखते नहीं। जहां दलित गॉगल पहनने पे पीटता हो और घोड़ी पे शादी का बारात निकालने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेता हो,
जहां एक पिछड़े वर्ग की लड़की की इज्जत लूटती हो और उसका एफआईआर दर्ज करने के लिए पिता को आत्महत्या करना पड़ता हो, इस समय देश को इस स्थिति में लाने वाले ये लोग कर्पूरी ठाकुर की क्या इज्जत करेंगे? कर्पूरी ठाकुर के लिए एटीएम हो गए हैं। कर्पूरी ठाकुर की जो इज्जत करते हैं वो राज करते हैं, और कर्पूरी ठाकुर की इज्जत वही राज करेंगे जो वाकई कर्पूरी ठाकुर जैसा कुछ लाएंगे। आज नीतीश कुमार के ऊपर ईडी सीबीआई कोई फटक नहीं सकती, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने आप को साफ रखा है। उनके कई निर्णय विवादित हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा में फ्लिप फ्लॉप हो गया, उस पर आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन वो कोई बोल नहीं सकते कि इस उद्योगपति को उन्होंने पाला, ये बोल नहीं सकते कि इस महिलाओं को लेके कुछ उनके ऊपर छिटाकशी, कोई बोल नहीं सकते। तो आज के डेट में ऐसा एक आदमी जो वाकई कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने का जिसको अधिकार है, और कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने से कर्पूरी ठाकुर की बेइज्जती नहीं होगी, बाकी लोगों को ये नैतिक अधिकार ही नहीं है कि वो कर्पूरी ठाकुर के बारे में सोचे। ये क्या सम्मेलन ले रहे हैं कर्पूरी ठाकुर का, सदी का? ये तो पटेल को कैश करते हैं, महात्मा गांधी को कैश करते हैं, महात्मा गांधी को एक तरह से कैश करते हैं और दूसरी तरफ दूसरे हाथ में गोड़ से रखते हैं। एक हाथ में राम होता है तो दूसरे हाथ में वो व्याभिचारी राम रहीम होता है। ये इतने मुखौटे लेके चलते हैं। सही कहा था एक जनरल सेक्रेटरी ने, जब अटल जी की सरकार थी और मुखौटे के ऊपर उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया था, गोविंदाचार्य का, जो उन्होंने दैनिक हिंदुस्तान में एक इंटरव्यू देके कहा था कि ये बहुत मुखौटेबाज आदमी है अटल जी, तो वैसा देखा जाए तो संघ और बीजेपी, जनसंघ, ये जो विचारधारा के लोग हैं, ये अलग अलग मुखौटे लेके आते हैं। समय पे दलित साथ में चाहिए, समय पे ओबीसी साथ में चाहिए, समय पे आदिवासियों के प्रति आंसू बहाते हैं, लेकिन ये काम मात्र सवर्णों के लिए कहते हैं, काम उद्योगपतियों के लिए कहते हैं, इनका आम आदमी से गरीबों से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं कहता हूं भारत रत्न, ये आप गोदी मीडिया चुप चिल्लाएगा मास्टर स्ट्रोक और ये मसीहा और ये और सब, लेकिन फटा कपड़ा पहनने वाला आदमी को यदि 16 लाख का सूट पहनने वाला भारत रत्न देता है तो इस भारत रत्न का ही अपमान है और उस आदमी का भी अपमान है जिसको आप दे रहे हो। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरे मायने है आज कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से बहुत बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। वो आंबेडकर की श्रेणी में है, ज्योतिबा फुले की श्रेणी में है, मैं साहू महाराज की श्रेणी में उनको रखता हूँ, पूजनीय है, वंदनीय है। उन्हें भारत रत्न आप सिर्फ राजनीतिक हथखंडे के तहत दे रहे हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है। नानाजी देशमुख के पहले यदि आपको कर्पूरी ठाकुर के प्रति प्रेम होता तो आप 2014 में आते से ही दे देते तो लगता, तब आपको बिहार में जरूरत नहीं थी, नीतीश आपके साथ थे। जब नीतीश नहीं है तो कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न एक गाजर है, एक रास्ता नीतीश कुमार को दिखाने का प्रयास किया। ये आने वाले 4 दिन में पता पड़ जाएगा करवट की दर बैठता है ऊंट, लेकिन ये बात तो तय है कि भारत रत्न देने से लोग भी नहीं लुभाते। क्या बंगाली बाबू को भारत रत्न देने से बंगाल इनका हुआ? लोगों को समझ में आ गया कि ये भारत रत्न सिर्फ मतदाताओं को मूर्ख बनाने के लिए दिया जा रहा है, आपको उस आदमी के बारे में कोई इज्जत नहीं। यदि इज्जत होती तो भारत रत्न के साथ रिपीट करते, जिनको भारत रत्न दिया इतनी इज्जत दी उनको राष्ट्रपति पद रिपीट करते। सर कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव, आपने क्यों अशोक वानखेड़े जी, कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव यशवंत सिन्हा का राष्ट्रपति चुनाव में भी विरोध किया, मुख्यमंत्री के तौर पर कर्पूरी ठाकुर का विरोध किया और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का विरोध किया राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने। तो ये तो अपॉर्चुनिस्ट लोग है, ये मतलबी है। दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत रत्न अवार्ड जैसा अवार्ड भी इन्होंने राजनीति में लाकर उसका गुड़ गोबर किया। फिर मैं कहता हूं मेरा विरोध कर्पूरी ठाकुर को नहीं है, इस टाइमिंग को है। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी बहुत पहले पहले इसके हकदार थे, बहुत पहले हकदार थे, और नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को तो पहले यकीनन थे, लता मंगेशकर के पहले हकदार थे, सचिन तेंदुलकर के पहले बिस्मिल्लाह खान के पहले हकदार थे। मैं ये नहीं मानता हूं कि इन लोगों का अपना वजूद कम है, लेकिन जब आपको इतने देर से याद क्यों आई,
चुनाव आते से आपको ये यादें कैसी आ जाती है चुनाव, क्योंकि आपने जीवन में आपके लोगों ने कभी कुछ काम किया ही नहीं, संघ और बीजेपी के जनसंघ के लोगों ने ऐसा कोई देश के प्रति काम किया नहीं, इसलिए आपके पास आइकॉन नहीं है, आपके लोग ही नहीं है जिसके ऊपर आप इतराए। तो उधार का सिंदूर है या ये भी, आइकॉन भी उधार का चाहिए, एमएलए भी उधार की चाहिए, सरकारें भी उधार की चाहिए, ये तो आपका प्रॉब्लम है। उधार के सिंदूर पर श्रृंगार करके चुनाव में जाने की तैयारी है। खैर, आपने कहा प्रतिभाशाली लोगों को, देश के महान प्रतिभाशाली लोगों को भारत रत्न मिला, लेकिन उन प्रतिभाशाली लोगों से ऊपर महामानव होते हैं और अति पिछड़ों के महामानव थे कर्पूरी ठाकुर, उनको मिला है आज भारत रत्न। नमन है कर्पूरी ठाकुर को, लेकिन उस कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देके सियासी मकसद साधने की कोशिश, जिसने आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, 3.5 लाख नौकरियां खाली हैं रेलवे में और 5,000 की वैकेंसी निकाल रहे हैं, वो कर्पूरी ठाकुर थे। आज से 4 दशक पहले इस हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार उतनी बड़ी भर्ती हुई थी, 1,08,000 डॉक्टर और इंजीनियर की एक साथ नियुक्ति की थी, एक साथ नौकरी दी थी, पूरे देश में एक साथ सबसे बड़ी नियुक्ति थी। जरा सीखिएगा, टेंट लगा कर दी गई थी, टेंट लगा कर्पूरी ठाकुर ये फोटो को हार डालने वाले व्यक्ति नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को फोटो पे हाथ डाल के आप प्लीज इतिश्री मत करिए, कर्पूरी ठाकुर के नारे लगा के आप अपना प्रेम व्यक्त में दिखाइए। कर्पूरी ठाकुर को सही श्रद्धांजलि और कहीं मान सम्मान देना हो तो उनके जीवन के जो पैरामीटर्स थे, उनके जीवन का जो जीवन था, उसमें से 0.1% भी आपने अपने में उतार दिया तो भी लगेगा कि नहीं, आप कर्पूरी जी की इज्जत करते हो, आप कर्पूरी जी को व्यापार समझते हो, आप कर्पूरी जी को ATM करके यूज करना चाहते हो, इसलिए आप ये कर रहे हो, इसलिए ये कमेंट करते हैं हम, इसलिए ये विश्लेषण में मैं ये कह रहा हूं कि कर्पूरी जी को आप ATM बनाना चाहते हो। कर्पूरी जी ATM नहीं है, जैसा राम को आपने बनाया, राम पूजनीय वंदनीय सब अपने जगह पे है, लेकिन राम की पूजा सही मायने में आरती करने से और सोने के गहने पहनाने से नहीं है। राम का दरवाजा मंदिर का सोने का होने से राम आपको खुश नहीं करेंगे। उस शबरी का क्या जो राम को झूठे बेल खिलाती थी, वो आज भी झोपड़ी में है, उसका क्या? जब तक उस शबरी का उत्थान नहीं होगा, जब तक आदिवासी वनवासी, जिनको आप वनवासी कहते हैं, जिनको अंतिम व्यक्ति समाज का, जब तक नहीं होगा ये राम राज्य कैसा, जहां 81 करोड़ लोग सरकार के अनाज में जी रहे हैं, ये नहीं, ये हो नहीं सकता, वह राम हो ही नहीं सकते। तो राम आप चुनाव में बेच रहे हो, अब आपको उस ATM से थोड़ा मतदान कम उगलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपने नया ATM खोला जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर है। कर्पूरी ठाकुर से माफी चाहते थे कि आज मुझे ये शब्द बोलने पड़े, क्योंकि सत्ता पक्ष ने दाम ही ऐसा खेला है, इसे मैं गंदी राजनीति मानता हूं। कर्पूरी जी को देना था तो बहुत पहले देना था, जिस कर्पूरी ठाकुर का आपने, मतलब ये तो अच्छा हुआ कि वो उसकी सिर्फ सरकारें गिराई, उन्हें बदनाम करने का प्रयास नहीं किया। वर्तमान नेता नेतृत्व होता तो कर्पूरी ठाकुर को इतना बदनाम करते? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ये वो कम से कम वो जनसंघ का वो दौर था, सरकारें गिराए। भाजपा का ये दौर होता तो पता नहीं क्या क्या करते। हालांकि इन तमाम सवालों के बीच अब हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी आए और बताएं कर्पूरी ठाकुर के साथ मैंने बहुत काम किया है। हालांकि टेलीप्रॉम्प्टर हटा लिया जाएगा तो शायद कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने में भी आजकल फंबल बहुत होते हैं, मैं कोई आरोप नहीं कर रहा हूँ, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, फंबल बहुत होते हैं, तो शायद अगर टेलीप्रॉम्प्टर जो देख करके पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जी वो हटा लिया जाएगा तो कर्पूरी ठाकुर का नाम भी लेने में दिक्कत आ सकती है। फिलहाल कर्पूरी ठाकुर को नमन भी है, वंदन भी है, जो इस देश के एक बड़े तबके का मसीहा महामानव भारत रत्न मिला है, स्वागत है, लेकिन सियासत कतई नहीं होनी चाहिए, महामानव के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें इजाजत दीजिए आप,
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, हम कर्पूरी ठाकुर पर एक सीरीज लाएंगे। और कल ही, क्योंकि अभिषेक जी हमारे बहुत डीप रिसर्च करते हैं, उनकी इस मामले में एक एक तथ्य को नोट करने में रहता है, इन्हीं के जरिए कर्पूरी ठाकुर पर, क्योंकि आपको इसी भारत रत्न के बहाने जानना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर थे कौन, इस समाज के लिए क्या किया है, और भारत रत्न देने वालों ने कर्पूरी ठाकुर के साथ क्या किया है। हम सब आपको दिखाएंगे। एक बात कर्पूरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब भाजपा सरकार ने जो रोहिणी कमीशन बनाया उसकी रिपोर्ट को लागू करें, अति पिछड़ों को आरक्षण दे जो रोहिणी कमीशन ने कहा है, कोटा विदिन कोटा करे, राघवेंद्र सिंह कमेटी लागू करे, यही कर्पूरी फॉर्मूला है। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक विशेष सीरीज आपके ही जरिए हम लाएंगे कर्पूरी ठाकुर पर। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार, धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद अभिषेक।